चले आए, टाइम हुआ चाहता है कि मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से ही करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सारा दिल खान है, मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ। ओपन ट्रांसजेंडर तालियों की गूंज हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ और बहुत सी एनजीओस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, यूएन यूएनडीपी के प्रोजेक्ट के साथ, पाकिस्तान की लीडिंग सेलुलर कंपनी के साथ अभी एसोसिएटेड हूँ और फेमस डिज़ाइनर्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। लेकिन इन सब चीज़ से ज़्यादा जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारी जो जस्तजू है, ये सब कुछ जो है वो सिर्फ ये बयान करने के लिए है आप लोगों को मेरा तारुफ में कि मैं आपकी तरह इंसान हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कामी है और अक्सर लोग मर्दाना नाम ही पूछते थे जो वालदैन ने रखा था, तो वो चौधरी मोहम्मद कामरान अनवर है और मेरे नाम के माने ही कामयाबी है। तो आज आप देखें कि मैं कामयाबी के साथ आप तमाम लोगों के सामने बैठी हूँ और मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सारा मॉडल हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान इन मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल। और आजकल तो लोग हमारे राइट विंग पार्टी के जो साथी हैं वो तो हमें इंसान मानने पर भी मतलब वो इंसान भी नहीं मान रहे हैं और हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि हाँ हम हिजड़ा हैं, हाँ हम खुसरा हैं, हाँ हम फ़कीर हैं, हाँ हम ख्वाजा सरा हैं। फिर अब जब आगे बात चलेगी तो मैं बताऊँगी कि सब के क्या मायने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है, मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी में फाइनल सेमेस्टर LLM की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं ख्वाजा सरा का एक स्किन क्लिनिक चला रही हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पर सारा डॉक्टर सारा दी के बारे में बात करूँगी। इसको मैंने बहुत टाइम बोला है कि मेरे क्लिनिक को ज्वाइन करो, आकर एक वीडियो बनाओ अगर आप मेरे पास काम नहीं करना चाहती। अब देखें कि मैं इतनी ऑडियंस में बता रही हूँ कि मैं एक स्किन क्लिनिक ख्वाजा सरा के लिए, जबकि मेरे पास एक दो डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं, मेरे खुद के डॉक्टर मेरे पास काम नहीं कर रहे, बस मेरा ये काम है। जिन्हा मैं काम कर रही हूँ आप सोचे इमरजेंसी में थोड़ा सी मोहलत दीजिए, निशा साहिबा आपका क्लिनिक मैं ही चलाऊँगी। जिंदगी आपका इंट्रोडक्शन हम भी सुनना चाहेंगे। मैं भी एक इंसान हूँ। पूरा हो गया है जो उन्होंने बोला, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी इससे इख्तलाफ करती हूँ कि मुझे जेंडर के उस नज़र से देखा जाए, मुझे इंसान की नज़र से देखा जाए, इंसान के हैसियत से सुना जाए। ज़िंदगी वैसे भी बहुत मुश्किल है, हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, और फिर अगर उसे जीने के लिए जतन किए जाएं, एफर्ट्स की जाएं, तो वो जिहाद से कम नहीं है। अच्छा, जिहाद लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ज़िंदगी को जीने की एफर्ट करना, कि खुदा हमें जीने से पाबंद करता है कि मैं तुम्हें भेज दिया तुम्हें ज़िंदा रहना है। ये और चीज़ है कि लोग इंसान को जीने एक दूसरे को नहीं जीने देते। जेंडर की जहाँ तक बात आती है, ये बज़ाहिर शनाख्त है, हम अगर सोचें असल चीज़ इंसान की रूह है, उसका जहन है और उसकी ज़िंदगी है, उसकी जान, उसका वजूद जो है वो असल चीज़ है। लेकिन खैर, अब इस मुआशरे में जहाँ आप लोग हैं और आप तीनों जिस खुद एतमादी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना तारुफ करवा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए कुछ दुखी कर देने वाले सवालों की तरफ भी जाएंगे कि आप बहुत से लोग ऐसे हैं, यहाँ भी इस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, जीने के लिए एफर्ट करना, ज़िंदा रहने का हक हासिल करना, इससे थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप लोगों के सामने खामखा
जेंडर एक क्वेश्चन मार्क बन के आ गया है कि आप कौन है, ऐसा जबकि है नहीं। सो मैं बारी बारी आपसे पूछती चलूँ कि ये जो स्ट्रगल है खुद को इंसान मनवाने की, मैं हिजड़ा और औरत और मर्द और ये ट्रांसजेंडर ये उन चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाह रही, मैं नहीं चाहती कि आप हम इस मौजू पर बात करें, लेकिन असल चीज़ जो है कि मुश्किल कितना है जिंदा रहना और ज़िंदगी के लिए एफर्ट करना और मुआशरे को खामोश कराना। आप शुरू करें, मुआशरे को खामोश कराना जो है ये बहुत बड़ा काम है, ये कितना मुश्किल है, अगर कितनी स्ट्रगल की है इसके लिए। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया है, मैं स्टार्टिंग करती हूँ कि अभी PSL अवार्ड मुझे मिला है एक हफ्ता पहले, तो मुझे लाइव दिखाया गया है चैनल्स पे, जिससे क्या हुआ कि मैं समझती हूँ कि अगर एक ट्रांसजेंडर जो बच्चा है वो सोसाइटी में टोंट हो रहा है या उसको हिजड़ा, खुसरा, छक्का इस तरह के वर्ड के नामों से पुकारा जा रहा है, उसकी फैमिली को भी वही नामों से पुकारा जाता है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले मेरी अम्मी कहीं रिलेटिव्स में गई थी, तो वहाँ पर ऐसे बैठकर हम देहात से हैं बात हो रही थी, तो मेरी अम्मी ने वहाँ पर बात की तो उन्हें कहा गया कि तू भी बोलन दे लायक है, तेरा ते मुंडा खुश रहे। जब मेरी माँ ने रात को वो अल्फाज मुझे बताई, मुझे इतना दुख हुआ कि सोसाइटी के अंदर आप LLM कर लो, LLB कर लो, अवार्ड्स ले लो, आपको इज्जत मिल जाएगी, लेकिन जिस लकब से आपको पुकारा जाएगा ना, मैं समझती हूँ कि आप अगर मर भी जाओगे ना, आपकी नस्लों को उन नामों से पुकारा जाएगा। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी कभी खुद पर एम्बैरेसमेंट फील होती है कि अगर अल्लाह ने मुझे ऐसा बना दिया था तो एक गुम नाम ज़िंदगी में गुजारती। मैं समझती थी वही लाइफ मेरी ठीक थी जो आज से 15 साल पहले मैं 3 तलवार पे भीख मांग रही होती थी, जिना हॉस्पिटल की गायनी वार्ड में भीख मांग रही होती थी, मेहराम सिग्नल्स था पहले अब अंडरपास है वो भीख मांग रही होती थी। मैं समझती हूँ वो लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, इतना क्रेडिट अवार्ड, एजुकेशन एज एडवोकेट एंड रोल सिंबार, ये चीज़ें लगता है कि मुझे अगर लाइफ ने प्रमोट किया है, रिस्पेक्ट दी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख भी हुए। जब इंसान को दुख है, मैं अपनी फैमिली में 2-3 महीने के बाद जब जाती ना, तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों की बहुत चोरियाँ की हुई हैं, उनके मुँह से नज़र आ रहा था, वो मुझसे सवाल ही नहीं करते, वो मुझसे जवाब भी नहीं करते, तो फिर मैं जब घर से आती हूँ इतने इतने दिन सोचने में डिस्टर्ब रहती हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी एक जो ख्वाजा सरा है उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, बस मैं ये चीज़ें सोचती हूँ। और यही मेरी स्ट्रगल है कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अगर मैं अपने माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं देख सकती तो मुझे खुद पर भी प्राउड फील नहीं होता। जी, मैं आपको प्राउड फील करना चाहिए, आप बताइए कहाँ कहाँ से गुजरी हैं। सफ़र तो बहुत मुश्किल है, वो कहते हैं ना कि पतंग संग उड़ गया बचपन, पता नहीं चला कि बचपन कब आया और कब मैं 35 साल की हो गई और आज मैं इस स्टेज पे मौजूद हूँ। लोग अपनी उम्र भी बताते, मैंने फिर भी बता दी, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हम सिंपैथी लेने नहीं आए सोसाइटी के अंदर, हम हमेशा से लोगों के दरमियान मौजूद थे और हम हमेशा से लोगों के दरमियान मौजूद रहेंगे। आप चाहे सिस्टमेटिकली, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली हमें जितना मिटाने की कोशिश करेंगे हम उतना उभर के बाहर आएंगे। आपने कहा कि इंसान ना ज़रूरी, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं हिजड़ा हूँ। एक औरत को जितना फ़ख्र होता है, एक मर्द को जितना फ़ख्र है अपनी मर्दानगी पर, मुझे अपने हिजड़ा होने पर कोई इमेजिन कि मुझे एक ज़रा बराबर भी। आज मैं 3 घंटे लगाकर तैयार होकर आई हूँ और मुझे पता था कि आज मैं जाऊँगी तो मैं बहुत खूबसूरत लगूँगी। तो मैं एक शेर कहना चाहूँगी, लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कब हिजड़ा बने, आपको कब महसूस हो गया हिजड़ा, तो रूह मेरी जनानी हिज मेरे कलेजे में, रूह मेरी जनानी हिज मेरे कलेजे में, जब तक हिज वाली रूह ना होगी कोई हिजड़ा ना होगा।
जब तक बीच वाली रो ना होगी कोई हिजड़ा ना होगा। एक मर्द को करोड़ रुपए देख भी साड़ी बना के रोड पे भीख मंगवा लो कभी भी हिजड़ा नहीं मानेगा जब तक उसकी रो नहीं मानेगी। आपा मैं ऐसे पैदा हुई हूँ। एक तरफ मेरे भाई ने मुझे मारा था, मैं बहुत प्यार करती हूँ घर वाले से, वो भी बहुत प्यार करते हैं कि मैं तो अब खुली किताब हूँ, वो कुछ नहीं कर सकते। मारा तो मैंने कहा कि तुम अगर मुझे फांसी पर भी लटका लो तो मैं तो वैसे ही हूँ और मैं ऐसे ही मर जाऊँगी। जब उस शादी के फंक्शन में मुझे नचाया और पैसे दिए तो आप, जब मैं मॉडलिंग की बात करती हूँ अपने साथियों के राइट्स की बात करती हूँ तो अब क्या बुराई है, अब तो मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। उन तमाम लोगों से ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि जो दूसरों की ज़िंदगियों में मुसीबतें पैदा करते हैं और हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़ा थोड़े राइट्स की बात करके हम अपने जैसे साथी जो गली मोहल्लों में रहते जिनके मसले में ऐसा लग रहा है हम उनकी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश करें। उसको कह दिया क्या है क्या कहूँ सॉन्ग। और मतलब मुझे लगता है कि आपका ये सवाल अगर 4 साल पहले वाली सारा से होता तो वो बड़ा अच्छा जवाब देती और शायद वो सारी तालियां भी बजती। बट बहुत बदल चुकी हूँ मैं इन 2 सालों में। फर्ज कर लेते हैं कि हम 4 साल पीछे फर्ज कर लिया है आपने तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। देखिए प्लीज़ ये अभी वाली सारा से बातें एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या बात करेंगे आप माशरे से जिन्होंने औरत को नहीं छोड़ा, जिन्होंने आपकी मुल्क की पहली प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को फेंक दिया, जिन्होंने रेप विक्टिम से फिंगर टेस्ट मांग लिया, जिन्होंने एबॉर्शन राइट उठाकर मर्द को दे दिए, उनसे आप क्या बात करेंगे? उनसे आप कुछ बात नहीं कर सकते। जिन्होंने आसपास जहांगीर को मार दिया, जिन्होंने पहले कंदील को मारा फिर उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया और फिर उसी के फेसिस पहनकर वो मार्च करते हैं, तो क्या बात करेंगे आप? कुछ बात नहीं हो सकती इस माशरे में। भीख मांगना सिर्फ हमारा नजर आता है, क्या मुल्क के सरबराह का भीख मांगना नजर नहीं आता? अब 4 साल वाली पहली सारा पर चले हैं तो मुझे मौका मिल गया। क्या धंधा सिर्फ मैं करती हूँ? क्या आप लोगों में से किसी ने कहीं किया? क्या आप लोगों ने हमारे कपड़े नहीं उतारे? हमारी तो मजबूरी थी, आपने क्यों उतारे? पर कपड़ा सिर्फ औरत को जाता है, मर्द को सर्टिफिकेट देता है ना कि आप शरीफ हैं, मैं शरीफ हूँ, ये शरीफ है, ये शरीफ है। अरे मर्द को बोलो उसकी गैरत उसके पास है, हमारे पास नहीं, तो अपनी गैरत खुद संभालो, गैरत के नाम पर कत्ल मत करो। ये थी पहले वाली सारा जिसको रोन दिया गया, जिसको लिटा दिया गया, जिसको नोश डाला, पर मैं चुप रही, बर्दाश्त करती रही। आज ये बातें मैं क्यों नहीं कहती? क्योंकि उस सारा को चीख कर ये सब बोल कर कुछ नहीं मिला, अगर मिला तो सिर्फ तालीम से मिला। ये इज्जत जो मैंने खोई थी, मेरी कम्युनिटी मेंबर्स ने खोई थी, ये हमें तालीम से मिली। वही मर्द हजरात जिन्होंने मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे जिस्म को लेकर बड़ी बातें की, आज वो मेरे लिए दरवाजा तक खोलते हैं। ये सिर्फ तालीम की बात है। मैं 4 साल पहले वाली सारा को लॉक कर देती हूँ, बड़ी वायरल है। नहीं, 4 साल पहले वाली सारा को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये अभी भी नहीं हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है और आपको बोलते रहना चाहिए। चलें बोलने की बात है तो फिर इस स्टेज और इस जगह का फ़ायदा उठा लेती हूँ। मुझे लगता है मेरी 2 बहनें बिल्कुल एग्री करेंगी। देखिए बात तो सारी ये भी है ना कि हम बात करें कि माशरा क्या कर रहा है, माशरे ने हमारे साथ क्या क्या, मर्द ने, अच्छा मर्द को मैं गलत नहीं कह रही हूँ इस बात पर मत जाइएगा दुनिया। अच्छा क्या एक मिनट, एक बात मैं रखती हूँ। मर्द का तो जिक्र आता ही है, औरत भी जब बात करती है तो मर्द का जिक्र आता है, वो उसे आदत है ये सारा कुछ करने की। औरत का रोल बताए, उसका रवैया क्या है आपके साथ? जगह पर आ रही थी जो मैंने कहा इस बात का फायदा कि औरत की जहाँ तक बात है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग करते होंगे डिफ्रेंशिएट, मैं तो एक बायोलॉजिकल वुमेन और ट्रांस वुमेन में फ़र्क नहीं करती। ये मैंने तो कहा था मैं औरत हूँ, ये आपने कहा कि मुझ जैसी औरत को ख्वाजा सरा कहते हैं, आपने बोला मैंने मान ली, ये वर्ड मैं नहीं लाई हूँ, ये आपने मुझे दिया है।
और जहाँ हम सोसाइटी की बात करते हैं, हम बात क्यों नहीं करते कि जब हम जैसी ट्रांसजेंडर खवातीन सामने आती हैं तो हमारी ही कम्युनिटी के लोग जो कि डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनकी वजह से हमें टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है, हर इंसान अलग है, हर इंसान को उसके ऊपर जज करें, ना कि किसी जेंडर पर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जज सकती हैं। भूल जाते हैं इस बात को कि ये मुआशरा कैसा है और इंसान बन कर बात करते हैं। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, ये भी सब इंसान हैं। आप हमें हिजरा काउंट करें, हम क्यों अपनी आइडेंटिटी को छोड़ें? गोरों ने दबाया, जिया ने दबाया, उसने दबाया, इसने दबाया, आपसे तो मैं ये उम्मीद नहीं रखती हूँ, आप तो मेरी अपनी हैं। आप तीनों को मैं हिजड़ा काउंट करती हूँ और आप तीनों के साथ बैठे हुए चौथी मैं भी खुद को हिजड़ा काउंट करती हूँ। लेकिन ये बताइए, दिल तो है ना, मोहब्बत होती है, बिल्कुल, आइडियल क्या है? क्या पता आइडियल मिल चुका हो। एक दिल मेरे पास भी है, रेखा जी के पास भी है, वो भी बड़ी मशहूर हुई दिल को लेकर, मुझे लगता है मैं भी बहुत होंगी। आइडियल क्या है, बारी बारी बताइए, मोहब्बत के लिए आइडियल क्या है? दिल तो है ना, दिल तो हिजड़े में भी है, औरत में भी है, मर्द में भी है, सिर्फ दिल की बात करते हैं। तो मैं उसी कतार में आकर बैठ गई हूँ ना, इसलिए खूबसूरत निशा डर रही है, कहीं पहले तुम बात करो। तो क्यों नहीं हो सकती मोहब्बत? मोहब्बत मोहब्बत की ना कोई, मेरे ख्याल है कोई सीमा नहीं है, कोई लकीर नहीं है, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। या मोहब्बत को तो लोगों ने ना एक हरबा बना लिया है कि मर्द को औरत से ही होगी, जो कि उसको भी नहीं होती। एग्जैक्टली, जो कि उसको भी नहीं होती, बिल्कुल। और ये खूबसूरत रिश्ता है मेरा मेरे रब के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के बच्चों के साथ, मेरी कम्युनिटी के साथ, जो शख्स मेरे साथ रहता है, जिसने मुझे सपोर्ट किया उसके साथ। आपको लगता है कि कोई मेरी ऐसी औरत जो इतनी बागी हो, जो बात बात पे तंज मारे, उसके साथ तेरह चौदह साल रहना आसान काम है किसी का? बहुत मुश्किल काम है, पर हर बुरे अच्छे में उसके साथ दिया। तो ये है मोहब्बत। मेरे लिहाज से मोहब्बत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। मेरे लिए तो शायद किसी का इज्जत से मुझे देख लेना शायद मोहब्बत है, या यहाँ आज जुहैब काका साहब ने बुला के बिठाए हैं हमें, ये उनकी मोहब्बत है। पर टॉपिक बहुत अजीब था कि हम भी तो हैं, मतलब हम तो हैं ही हैं भाई, हम हमेशा से ही हैं, हम ही हैं, हम यही हैं, आप हो ना हम तो हैं। नहीं, आप हैं, आप एक हकीकत हैं और एक अपना वजूद रखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जो आप खुल के बोल रही हैं और अपने खुद पर फख्र कर रही हैं। मोहब्बत का भी मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जो फ़र्क है ना, ये जो समझते हैं कि हिजड़ा है, इसकी लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन के उस तरफ खड़ा हो जाए। मोहब्बत इसका मामला नहीं है, जीवन साथी सोचना इसका मामला नहीं है, ज़िंदगी में एक दोस्त इसका मामला, इसका मामला सिर्फ ये है कि ये मुआशरे के हाथों जो है ज़िल्लत बर्दाश्त करे, जो मुमकिन नहीं है। जब हम मुआशरे को बदलने की बात करते हैं और ट्रांसजेंडर के हवाले से, हिजड़े के हवाले से बात करते हैं, तो ये इमोशंस जो हैं ये सामने आने चाहिए, ताकि ये जो बेहिस हम सब बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं सब समेत, हम जो दावे करते हैं अपने बारे में ना कहें आप हिजड़ा हैं, आप ना भूलें, हम इनको भूल लेते हैं, आप ना भूलें, हम मैं चाहती हूँ कि इनको पता चले, हम सबको पता चले कि एक दिल और एक रूह जो है वो क्या ख्वाहिश रखती है, वो दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये तो है, आप अपने वजूद को औरत के सराहे में तस्लीम करती हैं, आपको ये, और ये खूबसूरत भी लगता है। मैं नहीं समझती कि इस वक्त आप जो है मर्दाना कपड़े पहन कर बैठी होती तो मुझे इतना प्यार आ रहा होता, इतनी खूबसूरत लग रही है, ये आपका हस्न आने लगती हूँ। ये बता, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मोहब्बत के लिए आइडियल क्या है? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक हिजड़ा के लिए मोहब्बत करना जायज़ ही नहीं है,
सबसे पहले हम अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लेते हैं, बहन भाइयों से। ये हम एक नेचर में दिखा रहे हैं कि ये रिश्ते होते हैं। दरअसल हकीकत में माँ बाप बहन भाइयों से भी मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं होता। जो एक हिजड़ा होता है उसका काम है अपनी फैमिली को पैसा देना, अपने दोस्तों को पैसा देना, जो कल्चर में जिनके साथ हम रह रहे थे उनको पैसा देना। जो एक हिजड़ा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो जो मोहब्बत ले रहा है वो पैसा दे कर लेगा। घर पर दोगे तो मोहब्बत मिलेगी रिवार्ड में, दोस्त हैं तो उनसे मोहब्बत मिलेगी। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कल्चर में ही आके पढ़ी हूँ और मैंने भीख ही मांगी है। मैंने देखा कि मेरी क्लासमेट जो लड़के होते थे ना, वो मेरे साथ कभी नहीं बैठते थे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मेरे साथ फ़ोन पे बात करते थे। ये मोहब्बत है। ये लाइफ ने मुझे सिखाया कि अब देखें, मैं कोर्ट में हूँ, कोर्ट में भी टर्म्स बने हुए हैं। कुछ वकील मुझसे क्लोज हैं, कुछ मेरे साथ फ़ोन पर हैं, कुछ मेरे साथ मीटिंग्स में बैठना नहीं चाहते। मसलन कि मोहब्बत के भी एक स्टेप बना दिए। मैं बात ओपन इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती कि शायद मैंने कोट पहना हुआ है तो लॉयर्स को बुरा लग जाए, ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक हिजड़ा है उसका फ्यूचर नहीं है। मैट्रिक में जब मुझे पता चला ना कि मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह ना तो लड़का हूँ ना लड़की हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर प्लान्स नहीं है। अब मैं LLM में हूँ, मेरे साथ लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स है। हमें अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, हमारी शादी होगी, हमारा फ्यूचर कैरियर ये है, हम अपने मियाँ के साथ चले जाएंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन निशा का कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। क्यों? फ्यूचर प्लान्स में सबसे पहले मोहब्बत होती है। और मैं तो यही समझती हूँ कि एक खुसरा हो और उसको मोहब्बत करना पाकिस्तान में हलाल नहीं समझा जाता। उसको समझेंगे ये हराम काम है और आप इन चीज़ों से दूर रहो। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में किसी को बोला ही नहीं है कि भाई वो तो पाकिस्तान में औरत और मर्द की मोहब्बत भी हलाल नहीं है। लेकिन अब वो फिर भी ढकी छुपी चल जाती है। बहुत सी लड़कियाँ मारी जा चुकी हैं मोहब्बत के जो भी हैं। दोस्त जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि कोर्ट में और अपने वकील दोस्तों के साथ जैसे फ़ोन पर बात करते हैं, मैं जस्ट दोस्त, सहेली, एक दोस्त। औरत ज़्यादा अच्छी साबित होती है हिजड़े के लिए। एक अच्छी सहेली, एक औरत अच्छी साबित होती है, या एक मर्द भी अच्छा दोस्त बन सकता है। गमगुसार एक चाहिए होता है ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मर्द और औरत में कंपैरिजन करेंगे तो हम ज़्यादा खुद को सेफ औरत के साथ समझते हैं। मैं ज़्यादातर कोर्ट में फीमेल लॉयर्स के साथ ज़्यादा घूमती हूँ बनिस्बत मेल्स के साथ। लेकिन मैंने देखा कि कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं आपके दोस्त, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं लाइफ में। क्यों? एक ख्वाजा सरा की लाइफ अकेले तनहा होती है। हमें दोस्त की ज़रूरत ईद पर होती है, हमें दोस्त की ज़रूरत फैमिली से जब डिस्टर्ब होते हैं, आइसोलेट होते हैं, उस टाइम होती है। उस टाइम पे हमें औरतें सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं ये ओपन बात बता रही हूँ, उस टाइम पे हमें भी मर्द की ज़रूरत। आप एग्री करते हैं दोनों? देखिए, कंपेनियनशिप की तो हर किसी को ज़रूरत है। निकाह होना, फेरे पढ़ाना, ये सब कुछ तो शायद हमने खुद बनाई हुई चीज़ें हैं ना। पर कंपेनियनशिप की तो मेरे ख्याल है कि हम तो फिर भी हिजड़े हैं, इंसान नहीं, जानवर को भी ज़रूरत है कंपेनियनशिप की। तो बात यह है कि चाहिए क्यों नहीं चाहिए? कोई सुनने वाला तो हो, कोई दुख दर्द बांटने वाला तो हो। जब हम घर जाते हैं काम करके या बाहर में कोई भी मसला होता है तो हम किसी को फ़ोन तो कर सकते हैं। कोई हमारे पीछे आने वाला तो हो। पर बहुत सारे क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग के 80-90% ख्वाजा सरा लोगों के पीछे कोई नहीं आता। निशा ने जैसे कहा कि घर वालों को पैसा तो प्यारा होता है, बहन की शादी तो करा देंगे हम, भाई के बच्चों को सिलेबस तो लेके दे देंगे, माँ को हज उमरा भी करा देंगे, पर जिस दिन हम अपने हक की बात करेंगे ना तो उस दिन हम बुरे हैं, उस दिन हम इस्लाम के पैरोकार में नहीं आते, उस दिन हमने कोई गलत काम कर लिया। और आजकल जो हमारे साथ हो रहा है, मैं सब लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आजकल जो राइट विंग पार्टी के लोग हैं, कल एक मोहतरमा से मेरी भीड़ हो गई सोशल मीडिया पे। मैंने कहा कि आपका क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाह रही कि मेरी टांगों के दरमियान क्या है?
ये आपका मसला नहीं है कि मेरी टांगों के दरमियान क्या है, ये मेरा मसला है। और मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा फेथ, दो हाथ है ना, मेरा जेंडर मेरे उल्टे हाथ में और मेरा फेथ मेरे सीधे हाथ में, मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहती। मैं क्यों मिक्स करूं? जो मेरा फेथ है वो मेरा, मेरे अल्लाह ताला का है, यहाँ किसी भी दीन से ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ पर लोग सिर्फ ख्वाजा सरा को उस तरह देखना चाहते हैं जिस तरह वो देखना चाहते हैं, वो हमारे नज़रिए से नहीं देखना चाहते। तो फिर वही बात है, हम भी तो हैं, आप लोग हैं, अपनी जगह मौजूद हैं। एक थोड़ा सा उदास कर देने वाला सवाल करती हूँ। एक बच्चा जब घर में पता चलता है कि इसकी यही जगह है, ज़्यादा तकलीफ दार किरदार, नेगेटिव किरदार किसका है, बाप का या माँ का? बाप का। माँ तो है ना, माँ। और माँ सिर्फ ये नहीं है कि जिसने कोख से निकाला वो माँ हो सकती है, पालने वाली भी माँ हो सकती है, सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं हो सकती। तो बात ये है कि माँ तो उस बच्चे को भी गले से लगाती है जो कत्ल करके आता है किसी का, माँ तो उस बच्चे को भी पालती है जिसकी आंखें नहीं होती अल्लाह की तरफ से, जो मजदूर होता है। फिर हमारा तो इश्यू कोई नहीं, हमें तो ये क्या कि क्योंकि सबको लड़का चाहिए भाई, और फिर लड़के क्या करते हैं एंड में वालदैन के साथ, वो सबको पता है, वही लड़का चाहिए ना जो बहनों को कत्ल कर जी। तो मैंने जब हिजड़ा की बात की ना, इतनी खूबसूरत इस हिजड़ा के मायने हैं, किसी ने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। हिजड़ा का वर्ड जो है वो हजारों सदियों साल पुराना है, हिजर से निकला है। हुजूर पाक को भी तो जगह नहीं मिली मक्का में, तो मदीना चले गए, हिजरत से निकला है। हमें भी कहीं जगह नहीं मिलती, हमारी रूह को कहीं सुकून नहीं मिलता, तो हमें हिजड़ा बना दिया। और फिर जैसे मेरी साथी ख्वाजा सरा कह रही थी, ख्वाजा सरा का तो इतना खूबसूरत मायने कि एक जगह की हिफाजत करने वाले, फिर जब हम एक जगह की हिफाजत करने वाले हो सकते हैं तो फिर हम बुरे कैसे हो सकते हैं? हम सोसाइटी के लिए कोई कलंक कैसे हो सकते हैं? हम सोसाइटी के लिए गलत बात कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यही सोसाइटी है जिसने हमें मुख्तलिफ समझा। वरना ऐसा क्या मुख्तलिफ है? क्या मैं खूबसूरत नहीं लगती? क्या मैं बात नहीं कर सकती? हाँ, क्या मैं किसी को ललकार नहीं सकती? और अभी तक आपने तो बहुत दुखी बात की थी, मैं तो इस बात को कहीं और लेके जा रही हूँ। अभी तक हुकूमतें भी यही कर रही हैं हमारे साथ, NIC बना दो, फलाना कार्ड दे दो, धमकाना कार्ड दे दो। कार्ड भी चाहिए भाई, जब आप वोट लेकर सेनेट में असम्बलियों में बैठते हैं और वहाँ पर जब राइट विंग पार्टी के लोग हमारी शलवारें उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं इनके मुँह में लॉलीपॉप लेके बैठे होते हैं उस वक्त? और फिर जब तस्वीरें बनानी है या कोई भी किसी किस्म का हेल्थ कार्ड या फलाना कार्ड बांटना है, तो फिर ख्वाजा सरा याद आता है, क्योंकि ट्विटर भरना है, क्योंकि अखबारात भरने हैं, क्योंकि मीडिया में बात आएगी। तो ये मुसल में बात करती हूँ, तो इसका तो मतलब ये है कि हम खासतौर पर सिंध में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इसकी दावेदार है कि हमने जो है कि हुकूमत के लिए बहुत काम किया है। और जितना मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये कि इसमें कितनी हकीकत है, वाकई आप लोग मुतमईन हैं कि उन्होंने आप लोगों के लिए इतना काम किया है? साहिबा एक बात कहूँगी, फिर आई कैन गिव यू द माइक। सो बात ये है कि काम होना और असल में काम होना दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड दिए हैं। आप बताएं 3 महीने में 7,000 रुपये में किस हिजड़े का घर चल सकता है या किस औरत का घर चल सकता है? देखें, जितनी महंगाई हो चुकी है ना, जितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कल मेरे घर का पक्का ख़राब हो गया, तो मैंने कहा ऑनलाइन देखती हूँ सीलिंग फ़ैन कितने का आ रहा है। 10,000 रुपये का सीलिंग फ़ैन, मतलब पंखा भी नहीं लगाया बाप घर में। खिड़कियाँ खोल दें घर की, दरवाजे खोल दें, लुटेरे तो वैसे फिर रहे हैं। तो बात देखिए ना, हमें रियासत ने कुछ दिया जिनको देना चाहिए हमें कुछ, और हम तो कुछ नहीं मांगते। हम इज्जत से रहना मांगते हैं, हम डिग्निटी से जीना चाहते हैं। मगर रियासत और सियासी जमातें जो दावेदार, देखिए वो उस तरह से हक नहीं अदा कर। मैं तो सियासी जमातों को जब मानूंगी कि जब उनके जो मंशूर के अंदर ख्वाजा सरा का पूरा चैप्टर हो, क्योंकि सियासी पार्टी के ख्वाजा सरा लीडर हो,
असेंबली में क्यों ख्वाजा सरा हो, सैनेट में क्यों ख्वाजा सरा हो, जब हम बात करेंगे ना एक औरत आदमी बात करती है ना वो दर्द नहीं पैदा कर सकती उस बात में। बिल्कुल, जब हम बात करेंगे ना या हम जैसे लोग बात करेंगे तो हम बता पाएंगे कि कम्युनिटी भी क्या, कम्युनिटी भी कितनी गुंजाइश है इसमें, कितना खाली छोड़ा गया है इसे। दरअसल हाँ, दरअसल जब हमारा लॉ बनाया गया था वो भी फेवरेटिज्म पर ही बना दिया गया था, और मैं लॉ पर ना ही बात करूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि देखें कि जब लॉ बना रहे थे तो कुछ हमारे ही गुरु माफिया थे, और मैं यही कहूँगी कि जब लॉ बनाया गया था अगर उस टाइम उसको अच्छे तरीके से उसमें तरमीम कर दी जाती ताकि आज हमारे लिए इतना बखेड़ा पैदा नहीं होता, जबकि मेरा एक्स आईडी कार्ड है और अब बोला जा रहा है कि मुझे मर्दों वाला आईडी कार्ड बनवाना चाहिए, तो मेरे लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, और जबकि कभी हमें मेल बॉक्स में रखा जा रहा है, कभी ट्रांस वाले बॉक्स में रखा जा रहा है, पहले मुझे एम आईडी कार्ड बनवा कर दे दिया गया, अब मुझे एक्स बनवा कर दे दिया गया, अब मुझे दोबारा से एम में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये तो हमारा लॉ है। पर लॉ पर मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जब एक हिजड़े का कानून कोई मोची बनाएगा ना तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी मोची ही बैठ कर करेगा, मेरी और देखिए आपा सबको समझना बहुत जरूरी है, कानून ऐसे नहीं आ जाते, हमारी हुकूमत इतनी शरीफ नहीं है कि वो उस वक्त पी एम एल एन की हुकूमत जब कानून पास हो अभी भी वही बैठे हैं कम वक्त हमारे ऊपर। तो बात देखें कि कानून पाकिस्तान ने जो अप्लीकेशन पूरी करनी है यूएन की, उस यूएन की अप्लीकेशन पूरी करने के लिए हिजड़ों को राइट दे दिए मई 2018 में। एक बस फेस है कि अपना इमेज बनाने का, इमेज बिल्डिंग है, और ये सियासी पार्टियां भी यही कर रही हैं, इमेज बिल्डिंग कर रही हैं, वो ये नहीं देख रही फिर वही बात कि 7,000 में किसी का कोई गुजारा नहीं हो सकता। जैसे आप जैसी और कुछ और भी ऐसी हैं हिजड़े हैं जो पढ़ लिखे हैं, जाहिर अक्सर मीडिया पर भी नजर आते हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बोलने वाली हैं, बल्कि शऊर वाली भी हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ कि बिल्कुल सही है, उन्हें सियासी जमातों में होना चाहिए, उन्हें सैनेट में होना चाहिए, चले वो इलेक्शन वो इतना वोटर शायद उनका वोट बैंक ना बनता हो लेकिन वो सैनेट में उनको आना चाहिए, उनको सियासी पार्टियों में होना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या ख्याल है कि ऐसा अगर किया जाए तो कौन सी सियासी जमात है, कौन सी हुकूमत का कौन सा हिस्सा है जो बेहतर रिस्पॉन्स दे पाएंगे? मतलब आप बुलवा कर ही छोड़ी हुई, मैं बुलवाना चाहती हूँ। देखिए सियासी जमात के पास हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पहले तो आप यहाँ चाहते हैं ना, एक सियासी जमात तो कहती है अच्छा तुम ख्वाजा सरा हो तुम हिजड़ा कतल, एक तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है ना, उनका नाम लूंगी तो मेंशन नहीं कर रहा, उनका नाम मैं जानती हूँ, आप जिन आप लोग ना लें। दूसरे जो हैं उनकी फिलहाल अभी अपनी ही इतनी चल रही हैं, तीसरे जो हैं उन्होंने ये सोचा है जो कि अभी हम अगर ट्रांसजेंडर्स को ले आते हैं तो वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि अच्छी बातें बढ़ना भी चाहिए, बट प्रॉब्लम सारा ये है कि वैन यू डू मर्दमशुमारी वैन यू डू सेंसियस प्रॉपरली तो आपके पास फिगर आता है मर्द औरत और ट्रांसजेंडर, उन रेशो को देखते हुए आप पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व सीट्स निकालते हो। जब आप एक्स कार्ड का इशू कर रहे हो ऑल्दो आपने दिया, हमने तो आपको नहीं कहा था भाई डायरेक्ट एक्स कार्ड दो, आपने हमें डायरेक्ट प्लास्टिक का एक्स कार्ड हमारे मुंह पर मार दिया, हमें नहीं चाहिए था, हमारी ट्रांसजेंडर जो शाजिया नाम की बहुत प्यारी ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट एंटर होती हैं असलम खाती के साथ, कहती हैं कि मुझे ट्रैवल के लिए रोका गया है, मुझे हुकूमत गाइड दे कि मैं सफ़र कर सकूं, मर्द मुझे हाथ लगाते हैं, ये हमारी इनिशियल डिमांड थी जिस पर अब इतना बखेड़ा खड़ा किया गया है, आपने एक्स कार्ड दे दिया, फ्लाई दुबई से हम ट्रैवल नहीं कर पा रही, एमिरेट्स से हज उमरा हम नहीं कर पा रहे, नमाज जनाजा के हकूक हमारे अब तक तय नहीं है, हम जॉब्स करती हैं तो वहाँ पर बोला गया है कि 0.5% दिया है, क्योंकि मैं सहराती हूँ सिंध गवर्नमेंट के एहसान मंदू के उन्होंने बोला है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होता मैं कैसे मान लूँ। आप बोल रही हैं कि आपने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सिंध के अंदर सीट देंगे, तमाम सियासी जमातों को बोल रही हूँ कौन सी सीट दे रहे हैं आप, कौन से लेवल पर, यूसी लेवल पर, नाजिम लेवल पर क्यों, क्या ये पढ़ी लिखी नहीं, ये पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, या आप जिनकी बात कर रही हैं जो टीवी पर नजर आती हैं क्या वो पढ़ी लिखी नहीं, तो 2% रिजर्व सीट जब औरत की हो सकती है तो ट्रांस वुमेन की क्यों नहीं हो सकती।
आप अपनी बात को क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों जरूरत है आपकी, हमें आपकी, आप या मॉडरेटर हैं हमारे से तो प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, हमें एक औरत और एक मर्द का साथ चाहिए, हम नहीं चाहते वो हमें लीड करे, दोनों चीजें अलग हैं, इसको अलग रखें। ये वही बात होगी कि मर्द की कहानी मैं डिसाइड करूं कि मर्द क्या पहनेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। और जहां तक रही गवर्नमेंट की तंजीमों की बात, तो ठीक है आप हमें सपोर्ट करें और वोट्स ले जाएं, ओपन इनविटेशन है, पर आप कहें कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे और वोट्स भी लेंगे, तो ये मुमकिन मुझे तो होता नजर नहीं आ रहा आपका। देखते हैं आगे, क्योंकि जब मुझसे बात की गई इस सीट के नाम नहीं लूंगी तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि मैं एक एजुकेटेड ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मुझे देखिए बल्दियाती वाले भी कम नहीं है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ हाथ जोड़कर, पर जब एक ट्रांसजेंडर हेल्थ मिनिस्ट्री चलाने की कैपेसिटी रखती है, आप उसको दूसरी किसी क्यों ऑफर कर रहे हो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कब आएगी पहली मिनिस्टर, कब प्राइम मिनिस्टर आएगी, मुझे ये देखना है। पहली, अरे शर्म करो कि 75 साल बाद पहली बैठी है यहाँ पर, जिस शर्म का मुकाम है फखर का नहीं है। सारा जज्बाती होगी मेरी सहेली, तो ये जो पहला बटन है ये अनदर स्टीरियोटाइप है हमारी लाइफ के अंदर, हमें क्यों करना पड़ा ये सब कुछ। तो 2016 में जब मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे बहुत डर था कि मैं ये सब कुछ करूँ या ना करूँ, घर वालों का डर था, मुझे माशरे का डर था, जिस तरह सभी महमूद को मार दिया, कन्नी को मार दिया, और भी बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाती। तो बात सिर्फ नज़रिए की है और चाहत की है, आपकी मोहब्बत की बात की थी, मैं चाहत की बात करूँगी यहाँ पर, कि चाहत नहीं है इनके दिलों में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों उनके दिलों में चाहत नहीं है। मैं तो अल्लाह से ये कहूँगी कि खुदारा उनके घर में हमारे जैसा कोई दे दे, तो क्या पता कोई चाहत निकल आए, क्या पता कोई उनके दिलों में भी थोड़ा सा रहम अपने बच्चों के लिए निकला है। हमें रहम की ज़रूरत नहीं है, रहम की काबिल तो ये सियासी पार्टियाँ हैं, हमें रहम नहीं चाहिए, हमें सिंपैथी, जैसे मैं शुरू में कहा था कि सिंपैथी नहीं चाहिए, आए साथ बैठें, हम बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, आप खुद ना डिसाइड करें कि आप हमारे लिए ये करेंगे और आप हमारे लिए वो करेंगे, क्योंकि जैसे सारा ने कहा कि 75-76 साल हो गए और हमें अभी तक कुछ सालों पहले 1980 में जानवरों के कानून आ गया था और 2018 में ख्वाजा सरा का कानून आ गया, आप खुद देख लें कि कितना अर्सा लगा हमें सिर्फ ये मानने के लिए कि हम भी कोई मखलूक हैं, इंसान निकड़ा, और ये तो बहुत बात की बात, जानवरों को तो हुकूक दे दिए, ख्वाजा सरा को 2018 में देखिए कि हम जानवरों से भी कमतर हैं इन सियासी लीडरों के लिए, इन लोगों के लिए जो हमारे वोट लेकर आकर असेंबलियों में बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं। ख्वाजा सरा अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आता, औरत भी अपनी मर्जी से नहीं आती, मर्द भी अपनी मर्जी से नहीं आता, ये मजहबी मामला क्यों बन जाता है बार बार? मुझे तो वैसे मेरी आवाज़ ऊंची लगती है, हमारे माशरे की ना एक बुराई है, वो ये है कि हमें कोई चीज़ पर अगर समझ नहीं आती है ना तो हम बोलते हैं यार ये ठीक नहीं है, ये हमारी नेचर है, कभी भी हमें बहुत एम्पावर्ड औरत नजर आएगी ना बोलेंगे ये तवाइफ है, खराब टैग्स देते हैं। तो जब मर्द और औरत की डायनेमिक्स चल रही थी और औरत अभी अपने राइट्स लेने में कामयाब नहीं हुई, हालांकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए जब अपनी बेटी से रिश्ते का पूछा तो बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है ना कि औरत की क्या इंपॉर्टेंस है, सूरह निसा पढ़ लीजिए आपको पता चल जाएगा, पर फिर भी औरत ने जद्दोजहद की और फिर भी औरत जद्दोजहद करती है। आज भी हम वही अटके हैं कि मर्द की एक दो हिस्से हैं औरत के, हो अरे भाई समझो तो सही, औरत का एक हिस्सा क्यों है, क्योंकि उसके शौहर से एक हिस्सा मिलेगा, हिस्से दो ही हैं, आपने इंटरप्रेट गलत किया। तो मर्द और औरत की जस्तजू में जब दबी रही, शर्माई रही, खूबसूरत चीज एक और निकली जिसको ना मर्द समझ पाया ना, सच कहूँ तो बुरा नहीं मानिएगा आप सबसे कह रही, ना ही औरत समझ पाई, वो आपस में ही इतने कंफ्यूज थे अपने राइट्स को लेकर, उन्हें क्या समझते। तो वहाँ पर फिर आ जाते हैं रिलीजन कार्ड, ये बड़ा कार्ड है, क्या है डायलॉग फेमस, इस्लामिक टच कुछ है ना, तो इस्लामिक टच आ जाता है, आपको कुछ समझ आया नहीं, ये तो गलत है, वही लोग हमें ना सोशल मीडिया पर अब्यूज़ करते हैं
जिनकी मेन प्रोफाइल पिक्चर बॉडी बिल्डर लड़के खड़े हैं यूं करके और अंडरवेयर पहने हैं, वो इस्लाम या मजहब वहाँ नहीं है। और दूसरी मेन चीज, पाकिस्तान जो जिन्ना ने बनाया वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो माइनॉरिटीज का भी है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं, नहीं पता है तो कम से कम 14 अनुपात ही पढ़ लीजिए तो पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर सिर्फ मुसलमान नहीं है, ज्यादातर मुसलमान हो सकती हैं पर सिर्फ नहीं है। तो कानून बनाते हुए ये सोचा करें कि अकलियतें भी यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ एक लास्ट बार ऐड करना चाहूंगी, डॉलर की क्या रेट चल रही है आज, 300 से ऊपर हो गया है ना। तो मर्द और औरत को तो ट्राई कर चुके हैं और नो डाउट औरत बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी को मैं देखना जरूर चाहूंगी फ्यूचर में भी मुल्क को लीड करते हुए। पर आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि आप लोग हमें भी ट्राई कर लें। निशा जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग पूरे पाकिस्तान में वो निशा कर सकती हैं, वो डॉलर को 300 से 250 पर तो ले ही आएंगी। तो जैसे मेरे साथी ने बात की, तो जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसको मजहब मिल जाता है। और आजकल राइट विंग पार्टी के लोग यही कर रहे हैं, औरत नहीं मिली, बच्चों के इशू नहीं मिले, माइनॉरिटी के इशू नहीं, तो हिजड़े मिल गए उनको, उनको शिकार चाहिए और वो इतना खूबसूरत। हम शिकार हैं उनके, पर जब हम दीन की बात करते हैं, दीन की बात वो भी करते हैं। और पहले हम इनसे पूछते हैं कि कौन सी दीन की बात कर रहे हो भाई तुम यहाँ पर। अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर दूँगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। जैसे आपने कहा है आज इंसान पर बात करते, पर हमें इंसान नहीं समझा उन्होंने। और सियासी पार्टियाँ भी, और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ हम मौजूद हैं, आएँ बैठें बात करें, हम बताएंगे कि कम्युनिटी क्या चाहती है। और हम तीन लोग सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, लाखों में कम्युनिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग भी कुरान का भी आपने भी हवाला दिया सूरह निसा का, और ऐसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ ऑडियंस के साथ भी। मस्जिद नबवी में रोज़ा अक़दस की हिफाजत, देखभाल, सफाई और रात को मस्जिद नबवी बंद हो जाने के बाद अंदर सोने वाले सब ख्वाजा सरा हैं। जो इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनको ये चीज़ें उनके जहन में नहीं है। खुदा जिसे बनाता है को अगर ख्वाजा सरा बनाया है तो भी बुनियाद से वो बहरहाल अपनी तकलीफ से मोहब्बत करता है, जो भी ये जो भी कार्ड ये इस्तेमाल करें आप लोग। मैं एक और चीज़, मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ मेजॉरिटी उन मर्दों और नौजवानों की बैठी है जो सिंधी माशरे से ताल्लुक रखते हैं, और मैं उनकी तालियां सुन सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ। हालांकि हमारे इस माशरे में एक माशरे में ये रस्म नहीं है, लेकिन किसी किसी हिस्से में ये कारोकारी जैसे वाक़यात भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इतने कुशादा दिल हैं कि जो अक्लियत को समझते हैं और आपकी बातों को कबूल कर रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। आप सिर्फ एक बात करना चाहूँगी इससे पहले कि वक्त चला जाए, वो सिर्फ ये है, छोटी सी बात, मैं चाहूँगी आप तमाम सोचें। और ये मैं एज अ ट्रांसजेंडर नहीं कह रही आपको, मैं एज अ डॉक्टर कह रही हूँ, ठीक है। आप लोग जेंडर या हम लोग जेंडर देखकर जज करते हैं फिजिकल अपीयरेंसेस के ऊपर, एम्बिगुअस ऑर्गन्स के ऊपर, या नॉर्मली फॉर्म्ड ऑर्गन्स को नॉर्मली फॉर्म ऑर्गन्स। ये किधर है, वेयर इज दिस? नहीं है तो शट द साइकेट्रिक वार्ड, शट द साइकेट्रिक मेडिसिन, बंद कर दें आप न्यूरो मेडिसिन। दिमाग है, दिमाग का इशू है, तो जो दिमागी तौर पर ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स जो भी आपने अल्फाज देना है इनको आप दे सकते हो, उनको आपको एक्सेप्ट करना नहीं है, वो है, आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि मैं डिनाइल पर हूँ। ये है जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया टर्म, WHO वर्ल्ड हेल्थ गाइडलाइंस में मौजूद है, और आपके मुल्क और तमाम ममालिक ने उस पर साइन किया हुआ है। तो प्लीज़ जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया को पढ़िए, उसका इलाज पढ़िए, उसकी ट्रीटमेंट्स पढ़िए,
तब जज करें कि फिजिकल और मेंटल ट्रांसजेंडर्स के जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे. तो फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट जस्ट द अपीयरेंस बाय विच यू विल जज कि आई एम अ ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स और ख्वाजा सारा यस और नो. तेरी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे खुशी है. अगेन मैं अपनी खुशी का इजहार करूँ कि मुआशरे में मैं देख रही हूँ कि ये कुशादा दिली है और सब समझ सकते हैं कि ख्वाजा सरा आज के बाद तो किसी के भी घर में पैदा आज के बाद तो मुझे पूछोगे तो पूछोगे हमारे पास तो ऑनरी ख्वाजा सरा हैं होली बरसा. हम आपको ऑनरी ख्वाजा सरा मानते हैं. मैं बहुत बड़ी बात है आपा, बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने आप को इस तरह भी कह देता है ना. तो आज तो मेरा ख्याल है मेरा तो फोन डबल हो गया जो जिससे में होगा. मेरे ब्रांड्स की एंडोर्समेंट्स चली जाएंगी तो मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ. मैं तो मैं ब्रांड्स कैसे करूँगी. मैं आपके साथ हूँ और ये सब आपके साथ हैं और ये एक हकीकत है, कुदरती हकीकत है कि ख्वाजा सरा किसी के घर में भी पैदा हो सकता है और वो एक प्यारा इंसान होता है और उसे बाप को चाहिए, भाइयों को चाहिए वो उसे दिल से लगाएं और उसे ज़िंदगी गुजारने का हक दें. शर्मिंदा हो किस चीज़ पर होना है, शर्मिंदगी शर्मिंदगी अपने आप पर तो हो सकती है कि हम उसे कबूल नहीं कर रहे, लेकिन ये वाक़या अपने जहन में रख लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि नस्ल दर नस्ल कोई जो आता है, ऐसा नहीं है. आई विश ऐसा हो जाए. किसी के भी घर में आ सकता है और उस लम्हे को नज़र में रखिए. मैं नहीं कहती उस लम्हे से डरिए, उस लम्हे को नज़र में रखिए कि ये किसी के साथ भी आपको ऐसा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा और उसे मिसाल हम बना सकते हैं कि अपने बच्चे अपने सीने से लगा कर रखें और उन्हें ज़िंदगी में उसी तरह आगे ले जाएं जिस तरह नॉर्मल जिस आम जिस्मों वाले लड़के और लड़कियां जो हैं. मैं तो नॉर्मल भी नहीं कहूँगी, आम जिस्म जितके आप नहीं आपा इस माशरे में कोई नॉर्मल नहीं है. हम तो नॉर्मल है ही नहीं, कोई भी नॉर्मल नहीं है. सब नॉर्मल होना चाहते हैं, नॉर्मल कोई नहीं है. क्योंकि जब हम कहते हैं ना नॉर्मल, अक्सर टीवी पे भी मैंने ना अक्सर टीवी वालों को गाइड करने की कोशिश, वो कहते हैं नॉर्मल लोग और ख्वाजा सरा लोग. तो मैं कहता भाई तुम कितने कहाँ से नॉर्मल हो, देखो अपनी नॉर्मलिटी दिखाओ मुझे. कहते हैं मैं तो मर्द हूँ. मैंने कहा फिर मर्दाना पर दिखाओ, कितने मर्द हो तुम. बिल्कुल ये तो ना मर्द दिखा सकते ना औरत. तो फिर हमसे क्यों पूछा जाता है कि आप ख्वाजा सरा हैं, क्यों ख्वाजा सरा हैं, आप हिजड़ा हैं तो आप क्यों हिजड़ा हैं. हमारा जेंडर हमारी मर्जी. बहुत ही मैच्योर और